हेलो फ्रेंड्स, आपका एंजल क्रोशेट में स्वागत है। आज हम ये पर्पल कलर की ऊन से एक बैट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पर्पल कलर की ऊन का यूज़ किया और एक वाइट और ब्लैक कलर की ऊन का यूज़ किया। और इसमें मैंने 6 नंबर का क्रोशिया लिया। आप जो भी कलर का बनाना चाहो उस कलर का आप क्रोशिया ले सकते हो। तो हम इसे मैजिक रिंग से शुरू करेंगे। अगर आपको मैजिक रिंग नहीं बनानी आती है तो इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हो। मैजिक रिंग ऐसे 2 फिंगर पर लपेट कर मैजिक रिंग बनाएंगे और 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और फिर धागा लपेटेंगे और इस होल में क्रोशिया हुक डालेंगे। धागा निकालेंगे, 2 धागे निकालेंगे पहले और फिर से 2 धागे निकालेंगे। तो ये हो गया डबल क्रोशिया। तो ऐसे हम पूरी रो के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे 12 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक मैंने बना दिया तो 10 बच गए। हम 10 के 10 डबल क्रोशिया इस मैजिक रिंग के ऊपर ऐसे बना लेते हैं। ऐसे ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 11 इसमें डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो मैजिक रिंग का थ्रेड है इसे हम खींचेंगे ऐसे और मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे। अब जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में 3 की जो चैन बनाई थी उसके हम 3rd चैन के अंदर 1 2 3 ये 3rd चैन है तो इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे और 1st वाले धागे को 2nd वाले धागे से ऐसे पास कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा स्लिप स्टिच। तो यहाँ हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो नेक्स्ट रो के अंदर हम सबसे पहले 3 की चैन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चैन बनाई। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 3 की चैन बना ली। अब धागा लेंगे और जहाँ हमने 3 की चैन बनाई है सेम इसी होल के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और अब हम फिर से 3 की चैन लेंगे। 1 2 और 3 और यहाँ पर इसके बेस के अंदर ये जहाँ ये 2 थ्रेड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे और 1st वाले धागे को 2nd वाले धागे से ये 1st वाला धागा इसे 2nd वाले धागे से पास कर देंगे। तो ये हमारा होगा स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद में हम फिर से धागा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लिप स्टिच करने के बाद में हम धागा लेंगे और सेम इसी होल में जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसी होल में सेम क्रोशिया हुक डालेंगे और दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से धागा लेंगे सेम होल के अंदर जहाँ हमने पहले डबल क्रोशिया बनाया है उन्हीं होल में क्रोशिया हुक डालेंगे और चौथा डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि एक हमारी 3 की चैन हो गई, फिर हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 3 की चैन बनाई, फिर स्लिप स्टिच किया, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम होल के अंदर बना दिए। अब हम फिर से हम 3 की चैन लेंगे। 1 2 3 3 की चैन लेंगे और यहाँ बेस में क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे, 1st वाले धागे को 2nd वाले धागे से पास कर देंगे स्लिप स्टिच करने के लिए ऐसे और फिर धागा लेंगे और सेम हमने जहाँ पहले जिस स्टिच के अंदर ये डबल क्रोशिया बनाया सेम वहीं पर क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम उसी होल में देखिए फ्रेंड्स, और अब लास्ट में यहाँ पर एक स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लास्ट में हमने स्लिप स्टिच कर दिया। स्लिप स्टिच करने के बाद में अब हम यहाँ पर 10 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की चैन लेंगे और ये जो 1st वाली चैन है यानी कि 10 नंबर चैन हम स्किप कर देंगे और 9th चैन में क्रोशिया हुक डालेंगे। पहले चैन स्किप करेंगे, 2nd चैन में क्रोशिया हुक डालेंगे ऐसे, धागा निकालेंगे और दोनों धागों को एक साथ निकाल देंगे यानी कि सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब जितनी भी 9 चैन बच गए हैं इनके ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सभी चैन पर 1-1 सिंगल क्रोशिया बना लिए। और अब हम जो ये यहाँ पर नीचे चैन दिखाई दे रही है 1st, इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। पहले 1st वाले धागे को 2nd वाले धागे से पास करेंगे, 1 चैन लेंगे और टर्न कर लेंगे। ये देखिए, पहले हमने ऐसे सीधा बनाया था, अब इसको घुमा के उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
यहाँ पर इस ये जो हमने चैन बनाई है ये रो, इसमें क्रोसिया हुक डालेंगे, ऐसे धागा निकालेंगे, दोनों तकों को एक साथ निकालेंगे, एक सेकंड में क्रोसिया हुक डाला धागा निकाला, दो थर्ड में क्रोसिया हुक डाला, थर्ड में क्रोसिया हुक डाला धागा निकाला, फोर्थ में क्रोसिया हुक डाला धागा निकाला, फिफ्थ में क्रोसिया हुक डाला धागा निकाला, और ये लास्ट सिक्स्थ में क्रोसिया हुक डाला धागा निकाला और दोनों धागों को एक साथ निकाल दिया। तो ये हो गया 6 बार सिंगल क्रोसिया। अब हम यहाँ पर दो चैन लेंगे, 1 2 2 चैन ली और सेकंड जो हमने दो चैन लिए इसमें फर्स्ट वाली चैन स्किप कर देंगे और सेकंड चैन में क्रोसिया हुक डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दो चैन बनाई है, पहली चैन हम स्किप करेंगे, सेकंड चैन में क्रोसिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे और फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से निकालते हुए यहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। तो ये हो गया स्लिप स्टिच, और स्लिप स्टिच करने के बाद में हम फिर से इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्लिप स्टिच करने के बाद में हम इसे ऐसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में फिर से हमें सिंगल क्रोसिया बनाएंगे 6 के ऊपर 6। ये जो हमें दिखाई दे रहे हो यहाँ पे क्रोसिया हुक डाला, फर्स्ट सिंगल क्रोसिया, ये सेकंड हमने क्रोसिया हुक डाला तब निकाला, सेकंड सिंगल क्रोसिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये लास्ट सिक्स्थ सिंगल क्रोसिया। और अब हम नेक्स्ट चैन में क्रोसिया हुक डालेंगे, तब निकालेंगे और फर्स्ट वाले तक को सेकंड वाले तक से पास कर देंगे स्लिप स्टिच, 1 चैन लेंगे, टर्न कर लेंगे फिर से। और अब हम यहाँ पर 4 सिंगल क्रोसिया बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 सिंगल क्रोसिया हुए। अब हम यहाँ पर फिर से 2 की चैन लेंगे, 1 2 2 की चैन ली और सेकंड चैन में फर्स्ट चैन स्किप करेंगे, क्रोसिया हुक डालेंगे, सेकंड चैन में धागा निकालेंगे, फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से पास कर लेंगे ऐसे, और पास करने के बाद में फिर से इसको टर्न कर लेंगे। और टर्न करने के बाद फिर से 4 के जो 4 स्टिच हैं इनके ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोसिया बनाएंगे, 1 2 3 4। तो ये 4 के 4 के ऊपर 4 सिंगल क्रोसिया हो गए। अब यहाँ लास्ट के में हम चैन उठाएंगे और स्लिप स्टिच, ऐसे स्लिप स्टिच किया, 1 चैन ली और फिर से इसे उल्टा कर लेंगे ऐसे, और फिर हम 2 बार सिंगल क्रोसिया बनाएंगे, फर्स्ट होल में डाला 1 सिंगल क्रोसिया, सेकंड होल में डाला दूसरा सिंगल क्रोसिया, और फिर से 2 की चैन लेंगे, 1 2, पहली चैन स्किप करेंगे, दूसरी चैन में क्रोसिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे, फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से पास कर देंगे ऐसे, और फिर से टर्न करके इसे सीधा कर लेंगे और फिर 2 सिंगल क्रोसिया बना देंगे, 1 नेक्स्ट होल में क्रोसिया हुक डाला, 2। अब यहाँ जो चैन दिखाई दे रही है नीचे इसमें क्रोसिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये एक साइड का पंख हमने बना के रेडी कर लिया, अब हम दूसरी साइड का भी ऐसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें इस थ्रेड को इस साइड में लाना है, तो क्या करेंगे, जितने भी ये हमें नीचे स्टिच दिखाई दे रहे हैं ये ऊपर, इनमें क्रोसिया हुक डालेंगे ऐसे, धागा निकालेंगे, फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से पास करेंगे, स्लिप स्टिच हो गया ऐसे। नेक्स्ट चैन में लास्ट में यहाँ पर एक स्लिप स्टिच। अब जैसे हमने इस साइड में पंख बनाया था वैसे ही हमने इस साइड में भी बनाना है। तो यहाँ पर भी हम 10 की चैन लेंगे पहले, 1 2। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लास्ट तक स्लिप स्टिच कर लिया। अब हम पहले बैट को उल्टा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर हम एक चैन लेंगे और अभी से हम उल्टा कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
10। और अब ये 10th चैन ऐसे स्किप कर देंगे, 9th चैन में क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ही सभी चैन के अंदर। अब हमें पहले उल्टा करना है, बाद में सीधा करना। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, एट और ये लास्ट 9 के बाद में यहाँ नेक्स्ट होल के अंदर स्लिप स्टिच धागा निकालेंगे। फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से पास करेंगे, वन चैन लेंगे और इस बेल्ट को सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद में फर्स्ट होल में क्रोशिया हुक डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अब सेम वैसा ही पैटर्न बनाना है जैसे इसमें बनाया था। 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पहले हम, 2, 3, 4, 5 और 6 बनाने के बाद में अब यहाँ हम 2 चैन ले लेंगे, 1, 2 चैन ली और सेकंड चैन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच। ये फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से पास करेंगे तो ये हमारा होगा स्लिप स्टिच। अब इसको उल्टा कर लेंगे फिर से स्लिप स्टिच करने के बाद में और फिर से 6 के नीचे 6 चैन बना देंगे, पहली, दूसरी, 6 के नीचे 6 सिंगल क्रोशिया, सॉरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और फिर नेक्स्ट चैन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद में वन चैन लेंगे और फिर से इसे टर्न कर लेंगे। ऐसे ही हम 2 राउंड 2 और 4 और 2 के कंप्लीट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट बार 4 बार और फिर 2 बार। तो ऐसे हम कंप्लीट कर लेते हैं ये दोनों राउंड भी, जैसे हमने इस पंख में बनाया था वैसे ही सेम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट में मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दी है। ये लास्ट चैन, ये लास्ट रो कंप्लीट करने के बाद अब स्लिप स्टिच करने के बाद में यहाँ वन चैन लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखेंगे और बाकी का धागा कट कर लेंगे। और अब जो ये एक्स्ट्रा धागा बच गया इसकी हम पीछे नोट लगा देंगे। ये पीछे की साइड में धागे को ऐसे पास करेंगे ऐसे पास करते हैं। अब हम इस बैट की आइस बनाएंगे तो इसके लिए मैं व्हाइट कलर की और ब्लैक कलर की उनका यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम व्हाइट कलर का नीडल में पिरोएंगे और एक साइड से नीडल पास कर लेंगे ऐसे, यहाँ पीछे नोट नहीं लगाएंगे और फिर सेम जगह पर नीडल लगाएंगे ऐसे और 1, 2, 3, 4, 5 बार राउंड करेंगे लाइट हैंड से, बिल्कुल लाइन दागों को ऐसे पकड़ेंगे और नीडल को ऐसे खींच लेंगे। और फिर से सेम जगह से नीडल को पास कर देंगे और इस साइड से दूसरी आइस बनाएंगे तो सेम इस साइड में भी ऐसे बना देंगे। देते और 2, 3, 4, 5 बार राउंड किया और राइट हैंड से पकड़ेंगे और उसे खींच के टाइट करेंगे फिर सेम बेक साइड से उसको पास करेंगे। नोट लगाने के बाद में एक्स्ट्रा टाको को कट कर लेंगे, और यहाँ बैक साइड से ब्लैक कलर के धागे को पास करेंगे और एक ऐसे स्टिच बना देंगे सेम ऐसे ही दूसरी साइड में करेंगे। इस नोट के ऊपर बिल्कुल ये नीडल को पास करेंगे बैक साइड में निकाल देंगे
ऐसे निकाल देंगे और पीछे यहाँ ब्लैक ब्लैक कलर का धागा, इसके भी नोट लगा के एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे, फर्स्ट नोट और ये सेकंड नोट एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बैट बन के रेडी हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।